हाय फ्रेंड्स, आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं एंड यू आर स्टेइंग सेफ। तो आज हम बनाने वाले हैं दाल पीठा। ये बहुत ही इंस्टेंट रेसिपी है, बहुत ही इजी रेसिपी है और अगर आप इवनिंग स्नैक्स के लिए इसे बनाएं तो बहुत जल्दी तैयार हो जाता है और बहुत ही यमी लगता है। तो ये एक सेवरी रेसिपी है और हमारे यूपी बिहार में बहुत ज़्यादा फेमस है ये रेसिपी। तो रेसिपी को स्टार्ट करते हैं एंड आई होप आपको रेसिपी अच्छी लगती है। तो सबसे पहले मैं आपको ड्राई इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ। मैंने एक कटोरी दाल यूज़ किया है, एक कटोरी चावल का आटा यूज़ किया है, एक ग्लास मैंने वॉर्म वाटर लिया है, 10 से 12 लहसुन की कलियाँ ली हैं और 6 से 7 मैंने हरी मिर्च ली है। सबसे पहले हम चावल के आटे को गूंथ लेंगे। उसमें मैंने आधा चम्मच नमक ऐड कर दिया है। नमक बहुत थोड़ा सा ऐड करें क्योंकि आगे फिलिंग में भी नमक होगा। उसके बाद मैं इसे वॉर्म वाटर से मिक्स कर लेती हूँ और इसका डो प्रिपेयर कर लूँगी। वॉर्म वाटर यूज़ करने का रीज़न ये है कि इससे जो है चावल के आटे का डो जो है वो स्टिकी होता है और आपको जो बनाना है फरा उसमें जो है आसानी होती है। तो हम इसका फिलिंग प्रिपेयर करेंगे। मिक्सर जार में हम लहसुन, प्याज और दाल जो हमने लिया था वो ऐड कर लेंगे। उसके बाद आधा चम्मच हम नमक ऐड करेंगे और एक छोटा चम्मच जीरा ऐड करेंगे। ऐड करके हम इसे मिक्सर में पीस लेंगे। तो हमें इसे मिक्सर में बिल्कुल पेस्ट नहीं बनाना है, बहुत थोड़ी देर आपको इसको मिक्सर में चलाना है। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल ग्रिटी होना चाहिए, दाल एकदम से आपको पीसना नहीं है क्योंकि अगर ये पेस्ट होगा तो ये बन नहीं पाएगा। उसके बाद हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। तो एक चम्मच हल्दी ऐड की है, एक चम्मच गरम मसाला ऐड किया है, एक चुटकी मैंने हींग ऐड किया है और 4 से 5 जो है धनिया का पत्ता मैंने बिल्कुल बारीक काट के ऐड कर दिया है। धनिया के पत्ते से बहुत अच्छा सा फ्लेवर आता है, प्लस बहुत अच्छा सा कलर भी आता है जो बहुत ब्यूटीफुल लगता है क्योंकि चावल का आटा वाइट होता है। तो आप देख सकते हैं ये हो गया है। इसे हमने बिल्कुल मिक्सर में 1 से 2 मिनट घुमाया है, 1 से 2 राउंड, दैट्स इट। उसके बाद हम चावल के आटे के बहुत छोटी छोटी पूरी का शेप बना लेंगे, बिल्कुल पतली पतली। उसके बाद उसके सेंटर में हम अपना जो फिलिंग है उसको रखेंगे और दोनों साइड से इसे बंद कर देंगे। बट इसे हम बिल्कुल सील नहीं करेंगे, बस दोनों साइड से हम बंद करेंगे। जैसे आप टाकोस का शेप होता है बिल्कुल वैसे बनाएंगे हम इसको। और आपको बिल्कुल डरना नहीं है, ये टूटेगा नहीं, ये बिल्कुल ऐसे ही रहेगा। आपको बस इसको ऐसे मोड़ कर और इसे रख देना है। तो दूसरा भी आप देख लीजिए, बिल्कुल पतला आपको बनाना है तो आप पूरी बनाएंगे। उसके बाद सेंटर में फिल करके और दोनों साइड से बस इसे प्रेस कर देना है। बहुत हल्के हाथों से करना है ये प्रोसेस बिकॉज चावल का आटा बहुत जल्दी टूट जाता है। और आप देख सकते हैं मैंने सारे बना लिए हैं, कितने प्रिटी लगते हैं ये। तो इसके बाद हम इसे स्टीम करेंगे। ये पूरा जो है स्टीम करके ही बनता है। तो मैंने इडली के बर्तन में इसे स्टीम किया है। अगर आपके पास नॉर्मल स्टीमर हो तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। और इसको मैं सारे जो है वो एक साथ रख दूँगी। आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, ये स्टिक नहीं होगा। तो अगर आपके पास ज़्यादा हो तो आप जितना चाहें उतने का बैग साइज़ बना के एक साथ स्टीम कर सकते हैं, ये बिल्कुल भी एक दूसरे से स्टिक नहीं होंगे। आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा हेल्दी रेसिपी है, कोई फ्राइंग नहीं, कोई ऑयल नहीं। इसलिए अगर आप हेल्थ कॉन्शियस हो तो भी आपके लिए बहुत अच्छा स्नैक है। तो आप देख सकते हैं ये बन चुका है और बहुत ही इजीली ये जो है निकल के आ जाएगा, बिल्कुल भी स्टिक नहीं होगा एक दूसरे से, एज यू कैन सी। और थोड़ा सा जब भी आपको लगे कि ये गीला गीला सा हो गया है आटा और स्टिकी हो गया है तो आपको पता चल जाएगा कि ये बन गया है। 10 से 15 मिनट तक मैंने स्टीम किया था। काफ़ी टाइम लगता है स्टीम करने में बिकॉज आपको फ्लेम लो करके स्टीम करना है। बिल्कुल फ्लेम हाई रख के स्टीम करेंगे तो पानी जो है वो जल जाएगा, तो इसलिए आपको फ्लेम लो करके स्टीम करना है ताकि पानी रहे और आराम आराम से वो स्टीम हो जाए। तो आप देख सकते हैं कितने प्रिटी लगते हैं ये देखने में। और जो हरी चटनी के साथ मैंने सर्व किया है उसकी रेसिपी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक कर दूँगी, तो आप वो हरी चटनी की रेसिपी भी देख सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगे और आप भी इसे ज़रूर ट्राई करें। और अगर ट्राई करें तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि रेसिपी कैसी बनी। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइज़।